नंदगांव से कुछ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहां पर आज भी आप जाकर 5,000 साल पहले जैसे वृंदावन था, ऐसा रमणीय था, उसका अनुभव कर सकते हैं। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी 9 लाख गायों को चराने के बाद इकट्ठा करते थे, उनको बुलाते थे और यहीं पर उनका दूध निकाला जाता था। इस स्थान का नाम है टेर कदम। टेर का अर्थ होता है जब बुलाया जाता है जोर जोर से आवाजें निकाल कर, और यहाँ क्योंकि बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष हैं इसके लिए इसका नाम पड़ गया टेर कदम। ये बहुत ही सुंदर लीला स्थली है, श्री राधा कृष्ण की बहुत मधुर लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में प्रमुख, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में सबसे ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु या नेक्टर ऑफ डिवोशन पूर्ण किया। यहाँ एक कदम वृक्ष के नीचे बैठकर वो लिखते थे, और ये उनकी भजन स्थली भी थी, इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से ये स्थान बहुत ही शक्तिशाली है। एक बार रूप गोस्वामी यहाँ बैठकर शास्त्र अध्ययन में, शास्त्र लिखने में लगे हुए थे कि अचानक उनके मन में एक भाव आया कि पास में ही नंदगांव में पावन सरोवर के तट पर उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे और उनका जन्मदिन पास आ रहा था। तो रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुई कि उनको खीर बना के खिलाई जाए, लेकिन अचानक से उनको याद आया वो तो वैरागी हैं, उसमें समय जाएगा, कहाँ से वो चावल, कहाँ से दूध, कहाँ से बाकी वस्तुएं लाएंगे, पकाएंगे कैसे, वो तो खुद भिक्षा मांग कर खाते हैं। तो विचार आया, फिर उन्होंने विचार को जाने दिया और अपना भजन में, शास्त्र लिखने में लग गए। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी कन्या, बहुत सुंदर दिखने वाली, एक बड़ा सा थाल लेकर आई और कहा, बाबा, साधुओं को आज भी वृंदावन में बाबा कहकर पुकारते हैं ब्रजवासी, ये लो, मेरी माँ ने कुछ खीर बनाने के लिए सामान भेजा है, अगर आपको बनानी हो तो अब बना के खा लीजिए। रूप गोस्वामी ध्यान भी नहीं दे पाए क्योंकि वो बिजी थे, लिख रहे थे। तो फिर इस कन्या ने खुद ही कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, आसपास के जंगल से आग जलाई और खुद ही उस खीर को बनाया और रूप गोस्वामी को दे दिया और कहा, बाबा, बर्तन मैं बाद में ले जाऊंगी, ऐसा कहकर वो कन्या वहां से चली गई। रूप गोस्वामी ने थोड़े समय बाद देखा खीर पड़ी हुई है, बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को निमंत्रण भेजा, सनातन गोस्वामी आए। जैसे ही उन्होंने खीर थोड़ी सी खाई, उनके पूरे शरीर में एक अद्भुत रोमांच का अनुभव हुआ। तो उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा, ये किसने बनाया? रूप गोस्वामी ने कहा, पता नहीं, एक कन्या आई थी, वो बना के चली गई, मैं तो बिजी था। सनातन गोस्वामी ने पूछा, कैसी थी दिखने में? जब रूप गोस्वामी ने बताया कैसी दिख रही थी, सनातन गोस्वामी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे, बोले, समझ गए, ये साक्षात राधा रानी थी, वो खुद बनाकर गई हैं, हम उनके दास हैं, हमको उनकी सेवा करनी चाहिए, देखो उनकी दया, इतनी दयालु है, खुद आकर बनाकर चली गई, तुमको ऐसी इच्छा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ऐसा विचार भी तुम्हारे मन में कहाँ आया? ऐसा इच्छा करोगे तो ये तो वृंदावन है, यहाँ राधा कृष्ण खुद आकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, किसी को भेजते नहीं हैं, और हम यहाँ आए हैं ब्रज में उनकी सेवा करने के लिए, तुम्हारे इस विचार के कारण उनको सेवा करनी पड़ रही है। डांट रहे हैं सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को रोते हुए। रूप गोस्वामी भी राधा रानी की कृपा का अनुभव करके रो रहे हैं, लेकिन दोनों खीर खाना छोड़ नहीं पाए, पूरा खीर खा गए, क्योंकि एक अमृत की तरह तो राधा रानी ने खुद से बनाया, इससे भला भोजन क्या होगा। ऐसी सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर लीला यहाँ टेर कदम में हुई हैं। जब भी आप वृंदावन जाएं, इस स्थान में जरूर जाएं, यहाँ पर आपको असली वृंदावन की सुंदरता का अनुभव होगा।